यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी के कौशाम्बी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धांधली का शिकार हो गए हैं और यहां पर 2000 रुपए के चक्कर में फार्मासिस्ट, रिटायर्ड शिक्षक, सेना के जवान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गरीब किसान बन गए। इतना ही नहीं, कई मृतकों का भी नाम योजना में शामिल किया गया है और मृतकों को योजना का लाभ देने की जानकारी खुद उप कृषि निदेशक उदय भान सिंह गौतम ने दी है। फर्जीवाड़े का खुलासा आधार कार्ड सत्यापन के दौरान हुआ तो हर कोई हैरान हो गया। अकेले सिराथू इलाके के दर्जनों गांव में धांधली देखने को मिली। आनंद फानन में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग ने राजस्व कर्मियों के माध्यम से ऐसे लोगों का नाम सूची से हटाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उनसे रिकवरी करने का भी निर्देश दिया है। उप कृषि निदेशक उदयभान सिंह गौतम ने बताया कि फार्म भरने के दौरान जल्दबाजी में मृतकों और सरकारी नौकरी करने वालों का नाम सूची में शामिल कर दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत मैंने हम लोग हर ब्लॉक में अभी सत्यापन भी करा रहे हैं, सभी तहसीलों को आदेश भी दिया है, अगर कोई भी अपात्र जिसका जिसके पास खेती नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में है, वकील है, प्रधान है और अगर कोई संवैधानिक पद पे और भी बैठा होगा, कोई भी प्राप्त ऐसा मिलता है किसान, तो उसको हम लोग वसूली की कार्रवाई करेंगे, उसको संबंधित तहसील के माध्यम से उसको नोटिस दे करके उससे वसूली की कार्रवाई करके संबंधित खाते में जमा किया जाएगा धनराशि। तो पीएम किसान सम्मान निधि जिसके तहत आर्थिक मदद दी जाती है किसानों को और उसमें देखिए कितनी बड़ी धांधली है। अभिसार हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे, कौशाम्बी से जुड़े। अभिसार बताइए कि किस तरह से धांधली चल रही थी, कब से चल रही थी, ये भी महत्वपूर्ण है कि अब तक कितने की राशि इन लोगों के खातों में जा चुकी होगी जो बिल्कुल भी इस हकदार नहीं थे इस राशि के। जी देखिए, मैं आपको बता दूं राजीव जी कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी उसके बाद ही फार्म आनंद फानन में भरना शुरू हो गया था। लेसपाल गांव तो जाते थे लेकिन फार्मों का ठीक से सत्यापन नहीं करते थे, बगैर सत्यापन के ही ठीक ठाक के ही ये फार्म भर देते थे और इसी की बदौलत आज ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि करीब जी बिल्कुल। लेकिन अभी सर एक सवाल जरूर उठेगा कि वाकई आनंद फानन में ये सब हुआ है या जानबूझकर हुआ है, कहीं इसके पीछे कुछ दूसरा खेल तो नहीं खेला गया। बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। यूपी के कौशाम्बी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में धांधली का शिकार हो गए हैं और यहां पर 2000 रुपए के चक्कर में फार्मासिस्ट, रिटायर्ड शिक्षक, सेना के जवान और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गरीब किसान बन गए। इतना ही नहीं, कई मृतकों का भी नाम योजना में शामिल किया गया है और मृतकों को योजना का लाभ देने की जानकारी खुद उप कृषि निदेशक उदय भान सिंह गौतम ने दी है। फर्जीवाड़े का खुलासा आधार कार्ड सत्यापन के दौरान हुआ तो हर कोई हैरान हो गया। अकेले सिराथू इलाके के दर्जनों गांव में धांधली देखने को मिली। आनंद फानन में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह के निर्देश पर कृषि विभाग ने राजस्व कर्मियों के माध्यम से ऐसे लोगों का नाम सूची से हटाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उनसे रिकवरी करने का भी निर्देश दिया है। उप कृषि निदेशक उदयभान सिंह गौतम ने बताया कि फार्म भरने के दौरान जल्दबाजी में मृतकों और सरकारी नौकरी करने वालों का नाम सूची में शामिल कर दिया गया। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के अंतर्गत मैंने हम लोग हर ब्लॉक में अभी सत्यापन भी करा रहे हैं, सभी तहसीलों को आदेश भी दिया है, अगर कोई भी अपात्र जिसका जिसके पास खेती नहीं है, कोई सरकारी नौकरी में है, वकील है, प्रधान है और अगर कोई संवैधानिक पद पे और भी बैठा होगा, कोई भी प्राप्त ऐसा मिलता है किसान, तो उसको हम लोग वसूली की कार्रवाई करेंगे, उसको संबंधित तहसील के माध्यम से उसको नोटिस दे करके उससे वसूली की कार्रवाई करके संबंधित खाते में जमा किया जाएगा धनराशि। तो पीएम किसान सम्मान निधि जिसके तहत आर्थिक मदद दी जाती है किसानों को और उसमें देखिए कितनी बड़ी धांधली है। अभिसार हमारे संवाददाता इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां देंगे, कौशाम्बी से जुड़े। अभिसार बताइए कि किस तरह से धांधली चल रही थी, कब से चल रही थी, ये भी महत्वपूर्ण है कि अब तक कितने की राशि इन लोगों के खातों में जा चुकी होगी जो बिल्कुल भी इस हकदार नहीं थे इस राशि के। जी देखिए, मैं आपको बता दूं राजीव जी कि जब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने की थी उसके बाद ही फार्म आनंद फानन में भरना शुरू हो गया था। लेसपाल गांव तो जाते थे लेकिन फार्मों का ठीक से सत्यापन नहीं करते थे, बगैर सत्यापन के ही ठीक ठाक के ही ये फार्म भर देते थे और इसी की
बदौलत आज ये ऐसी सिचुएशन आ गई है कि करीब जी बिल्कुल, लेकिन अभी सर एक सवाल जरूर उठेगा कि वाकई आनन फानन में ये सब हुआ है या जानबूझकर हुआ है, कहीं इसके पीछे कुछ दूसरा खेल तो नहीं खेला गया। बहरहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।